तुम्हारा नाम? रेशमा। बाप का नाम? भगत साधुराम। भाई बहन? कोई सिर्फ बाप बेटी। दादी, तुम्हारा बाप क्या काम करता है? बाजू कट गया है इसलिए बेकार है। बेकार है? कब से? बरसों से। फिर घर का खर्चा कौन चलाता है? मैं तो तुमने तो कहा कि तुम अनपढ़ हो, फिर कैसे कमाते हो? किसी के घर का काम करती हो? किसी मिल में जाती हो? भीख मांगती हो? नहीं नहीं? तो फिर कैसे कमाती हो? पैसा कहां से लाती? बोलो, तुम्हारी कमाई का जरिया क्या है? योर ऑनर, मुलजिमा भरी अदालत में और अपने बाप की मौजूदगी में कैसे कह सकती है कि वो अपनी इज्जत बेच के पैसे कमाती? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये मेरे मुवक्किल की जात पर कीचड़ उछालना है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मगर ये बताती क्यों नहीं कि पैसे कैसे कमाती है? इसमें छुपाने की क्या बात है? योर ऑनर, इसकी खामोशी का मतलब साफ है कि मुलजिमा अपना तन। मैं एक पॉकेट मार। योर ऑनर, मुलजिमा के इस इतराफ को खास तौर पर नोट किया जाए। योर विटनेस। थैंक यू, मुझे कुछ नहीं कहना। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर मोहन से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। परमिटेड। इंस्पेक्टर मोहन, क्या आप मुलजिमा को पहचानते हैं? जी हाँ, मैंने इसे गिरफ्तार किया था। हाँ, अपने घर में। अपने घर में? लेकिन इस पर तो खून का इल्जाम है, क्या कत्ल आपके घर में हुआ था? जी नहीं, जग्गी का खून जंगल में हुआ। वो दौड़कर मेरे घर पनाह लेने आई। लेकिन ये आपका घर कैसे जानती थी? ये अक्सर हमारे घर आया जाया करती थी। क्या आप इसे अक्सर मिला करते थे? जी। इसलिए कि ये पॉकेट मार है और आप उस पर नजर रखना चाहते थे? मुझे उस वक्त इस पर कोई ऐसा शक नहीं था। ताज्जुब, आप जिसे काबिल ऑफिसर को एक मामूली लड़की बेवकूफ बना गई। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। बात तो हैरानी की है, इतना काबिल पुलिस ऑफिसर एक पॉकेट मार को नहीं पहचान सका। खैर छोड़िए इंस्पेक्टर साहब, ये बताइए आप मुलजिमा को अपने घर क्यों ले गए? मैं इसे शादी करना चाहता था। ओह गॉड। जी हाँ योर ऑनर, एक दिलचस्प सूरत हाल, एक जो कानून की हिफाजत करता है और एक जो कानून को तोड़ता है, दोनों में प्यार। खैर, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। मुलजिमा एक पॉकेट मार और आप एक ऑफिसर। योर ऑनर, अगर कानून की नजर में कोई गुनाहगार है तो ये है। अगर किसी ने जग्गी का खून किया है तो इसे, अगर किसी को फांसी देनी है तो इसे। यही वो सच्चाई है जो मुजरिमा अब तक अदालत के सामने नहीं कह सकी थी। मुझे मालूम था कि मुजरिमा को इंस्पेक्टर से प्यार है, उस पर आंच आते ही वो असलियत उगल दी। झूठा इल्जाम लगाने के सिलसिले में
मैं इंस्पेक्टर से माफी चाहता हूं। मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि मेरे सामने मुलजिमा से असलियत कहलवाने का यही एक रास्ता रह गया था। मुलजिमा रेशमा के बयान से साफ जाहिर है कि इस वारदात का एक चश्मदीद गवाह भी है जिसका नाम मुलजिमा ने नत्थू बताया है। अदालत उस गवाह के पेश होने तक इस केस की कार्रवाई को मुलतवी करती है। बच्चे, तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है। Jaggi, look out!
मुलजमा रेशमा को बेइज्जत बरी करती है। नहीं, मुझे मत छुओ, मैं पापी हूँ पापी। मैं बाप हूँ नहीं, मैं बापू के नाम पर एक कलंक हूँ। नहीं तो कोई बाप एक मासूम बच्ची को जो देवी बन सकती थी माफी बनाए, उसे गुनाह के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करे। नहीं, नहीं। कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, आपको याद होगा आज से बहुत साल पहले एक भागते हुए आदमी पर आपने चलती गाड़ी में से गोली चलाई थी, इसकी वजह से उसका बाजू जाता रहा। मैं वही आदमी हूं, ये देखिए। उसके बाद आपकी 2 साल की बच्ची चोरी हो गई थी, यह है उसकी निशानी, पहचानिए। कमिश्नर साहब, यही वो बच्ची है, ये मेरी लड़की नहीं, ये आपकी बेटी है। रेशमा, नरो मेरी बच्ची, नरो मेरी बच्ची। ये झूठ है बापू, झूठ है। रेशमा, मेरी बच्ची, बेटी, तुझे कुछ दिनों खोने के बाद ये महसूस हुआ कि औलाद से बिछड़ने का दुख क्या होता है। कि आदमी 16 साल से तड़प तड़प कर तेरे बदले की कीमत चुका रहा है, अगर तुझे सजा हो जाती तो ये राज कि तू कमिश्नर साहब की बेटी है राज ही रह जाता। बेटी, मुझे इन आंसुओं की जंजीरों में न जकड़। बेटी, कब तक अपनी आत्मा पर झूठ का बोझ उठाए फिरूंगा? जिंदगी तो मैंने अपने हाथों से बिगाड़ ली, अब मुझे मौत को तो संवार लेते थे। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, कमिश्नर साहब, संभालिए अपनी अमानत को। मैं जानता हूं फर्ज निभाना कितना कठिन काम है, और मैं ये भी जानता हूं कि आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। बहुत पाप किए हैं मैंने, मुझे तो सजा मिलनी ही चाहिए। लीजिए, पहनाइए। करिए